हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीडे यूफोरिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सारा एंड दिस इज़ मी ज़ारा। फ्रेंड्स, विंटर्स आ चुके हुए हैं और अब हमें जल्दी से स्विच ऑन हो जाना चाहिए विंटर केयर की रूटीन की तरफ। अपनी रहबो स्किन को हमने सॉफ्ट भी रखना है, सपल भी रखना है, और हमें धूप जब आ जाती है तो हम फौरन ऊपर छत पर भागते हैं कि चले हमें धूप कोई थोड़ी सी मिल जाए। उसके लिए हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करना है फ्रॉम UVA एंड UVB सन रे से। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब हम इस मकसद के लिए आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेक्सोन ब्रांड के सन ब्लॉक्स लेकर आए हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और अपनी हमारी स्किन के लिहाज से भी बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो हमारे पास ट्रू डेफिनेशन होती है ना सनब्लॉक के, उसके अकॉर्डिंग है येलो वाला। सो हम पहले येलो वाले की डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स देखें, इसकी पैकेजिंग 225 ml इसकी पैकेजिंग है। प्राइस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 800 में यह आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला अगर मैं आप लोगों से इसकी जो है वो प्राइस मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके हमारे पास जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है, दैट आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी सनब्लॉक। ठीक है ना, जो भी सनब्लॉक होगा उसमें ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स तो लाजमी प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जब इसको अपनी स्किन पर अप्लाई किया था तो फ्रेंड्स हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, इतना अमेजिंग इसके साथ रहा कि मतलब ये स्किन में जाते साथ ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसी तरह का रखा हुआ, या आर्टिफिशियल हमारी फीलिंग्स बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती है कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। लगाते साथ ही आपकी स्किन के ऊपर एक तो प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है, दूसरा ये कि लगाया हुआ बड़ी आपको कूल सी, बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी, फ्रेश लुक दे रहा होता है। सो फ्रेंड्स, अब दूसरे वाला जो था वो हमारे पास इनका पिंक कलर का आ जाता है। एक्चुअली इन्होंने इसको लिखा हुआ है कि ये सन ब्लॉक है, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ सन ब्लॉक। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस सनब्लॉक की बात करें तो दिस इज़ नॉट अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ सनब्लॉक बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। सो ये आपको UVA UVB से इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा जितना कि आपको ये वाला सनब्लॉक करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो ये वाला सनब्लॉक है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनडोर्स के लिए, आप इसको बाहर नहीं लगाएं। लेकिन ये वाला जो सनब्लॉक है इसको आप डेफिनेटली बाहर लगा सकते हैं और ये आपको बहुत ही अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा अगर आपने इसको रूटीन एज अ लोशन यूज़ करना है रूटीन में, तो आप इसके लिए इसको एक परफेक्ट चॉइस के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए या हीट से प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए ये एक बेटर चॉइस है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सो हमने आपसे यही एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो शेयर करनी थी ताकि आप लोग इसको लगाएं। और फ्रेंड्स, जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपका इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, आप लोगों ने इनको अप्लाई किया, इसके बाद अप्लाई करने के बाद आप लोगों का किस तरह के रिजल्ट्स मिले, इवन के रिजल्ट्स मिले भी या आप लोगों को इनके रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।